हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, इस वीडियो में हम विंडो 10 में वीपीएन को ऐड करना सीखेंगे और ये बिल्कुल फ्री वीपीएन होगा। आप वीपीएन परचेज करते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं वीपीएन के, आप कई कामों के लिए वीपीएन यूज करते हैं। तो हाँ, परचेज करने के बाद आपको कई सारे इशूज का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई प्रॉब्लम आपके सामने आने वाले नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीखते हैं कि वीपीएन को हम विंडो 10 में कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू पर जाना है। स्टार्ट मेनू पर जाने के बाद सेटिंग टाइप करना है, यानी विंडो की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है सेटिंग का। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद विंडो ओपन होती है। इसमें आप देखेंगे कि आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट मिल जाएगा और आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वीपीएन। ओके, यहाँ पर आप वीपीएन पर क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, एड वीपीएन कनेक्शन। ओके, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा वीपीएन प्रोवाइडर। तो वीपीएन प्रोवाइडर में आप टाइप करने वाले हैं विंडो बिल्ट इन, ये ऑप्शन आपको डिफॉल्ट मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देन कनेक्शन नेम, ओके, कनेक्शन नेम में आप टाइप करेंगे वीपीएन बुक। ओके, उसके बाद आ जाता है सर्वर नेम और एड्रेस। देखिए, सर्वर नेम और एड्रेस हमें लाना है कहीं से, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपने किसी ब्राउजर पर जाना है। क्रोम ब्राउजर पर जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको एड्रेस बार में टाइप करना है वीपीएन बुक और आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, आपको मिलेगा फ्री वीपीएन का एक ऑप्शन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेज डायरेक्ट होगा और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर हमें कई सारे वीपीएन मिल जाते हैं और इस वीपीएन को आप जो भी चाहिए, जैसे कि आप यूएस का चाहते हो या फिर कैनेडा का चाहते हो, एक्सेट्रा कई सारे वीपीएन है। तो यहाँ से आपको जो भी चाहिए, जिस कंट्री का चाहिए, वहाँ से आप ये क्या करेंगे कि इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे मैं फ्रांस का चाहता हूँ तो फ्रांस का मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी पुरानी विंडो पर जाता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। उसके बाद वीपीएन टाइप, वीपीएन टाइप को यहाँ पर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, क्लिक कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वीपीएन मिलता है वो फ्री TP VPN मिलता है, इसलिए हमने वहां पर इस ऑप्शन को यूज किया है। देन उसके बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर डिफॉल्ट रहेगा यहाँ, ओके, और इसको डिफॉल्ट ही रहने देंगे। देन क्लिक कर देंगे सेव ऑप्शन को। देखिए, यहाँ पर हमें ऑप्शनल मिल जाते हैं, इसको अभी टच नहीं करेंगे और कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर वीपीएन बुक मिल गया है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, आपको क्लिक करना है। देन कनेक्ट पर क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद आपके सामने साइन इन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर हमें एंटर कराना है। ये हमें कहाँ मिलेगा, आप यहीं पर नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। तो यूजर नेम तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन पासवर्ड वहाँ से कॉपी नहीं होगा, तो आपको पासवर्ड एक बार देख लेना है और टाइप करना है पासवर्ड। ओके, तो मैं पासवर्ड को, ये वाला जो पासवर्ड दिया हुआ है, मैं इसको टाइप करूँगा। ओके, इस वाले पासवर्ड को तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ। और तो पासवर्ड है 8EZ9B5M। ओके पर क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद हमारा वीपीएन कनेक्टेड हो चुका है। ओके, अगर एक बार में कनेक्ट नहीं होता है, आप दोबारा टाइप करेंगे और दोबारा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। पहली बार में कोई इशू आ सकते हैं, दूसरी बार में आ सकते हैं, बट ये फाइनली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसके बाद मैं अपने कनेक्शन को चेक कर लेता हूँ। मेरा कनेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ वीपीएन कनेक्टेड है और यहाँ मेरा पर्सनल भी कनेक्टेड है। अब आपको चाहिए कि यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, देन आप यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इसको बाद में रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव पर क्लिक करके रिमूव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करता हूँ एंड देन क्लिक रिमूव, यहाँ से वीपीएन रिमूव हो गया। तो गाइस, इस तरह आप वीपीएन को यूज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।